दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को विश्व की सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था कहने वाली दिल्ली सरकार इस समय कटघरे के घेरे में आ चुकी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स दिल्ली के स्कूलों की हालत को पब्लिश करती है कि दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व में सबसे बेहतरीन है। लेकिन भारत के ही अखबार दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी जिससे पूरी की पूरी दिल्ली सरकार और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था एक्सपोज होती हुई दिखाई दी। कुछ दिन पहले दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें यह लिखा हुआ था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास में अगर वो दो बार फेल हो जाते हैं तो उनको स्कूल से निकाल के NIOS यानी कि ओपन स्कूल में भर्ती करवा दिया जाएगा। इस तरीके के सर्कुलर वायरल होने के बाद दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ चुकी थी क्योंकि दिल्ली सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस साल का अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊं, आपकी स्क्रीन पर भी जो फ्लैश हो रहा होगा, तकरीबन 17,308 स्टूडेंट्स 9th क्लास में दूसरी बार फेल हुए हैं और फेल होने के बाद इन सभी को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। सोचिए इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को स्कूल से निकालना। इन स्कूलों ने फिर NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में एडमिशन लिया। क्या गारंटी है कि कितनों ने एडमिशन लिया, कितनों ने नहीं लिया? बता दूं कि सिर्फ 6,200 छात्रों ने, जो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने NIOS में अपना एडमिशन कराया। इसके अलावा उन 11,000 छात्रों का क्या, उन 11,000 छात्रों का क्या जिन्होंने NIOS में भी एडमिशन नहीं कराया? रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट लिया जिससे कि ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा चला गया। दिल्ली सरकार रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए कर रही है ताकि 10th और 12th के रिजल्ट पे उनका असर ना पड़े। डंके के साथ आपने ये चीज़ देखी होगी कि डंके के साथ आम आदमी पार्टी टीवी चैनल्स पे आकर के, बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके ये चीज़ कहती है कि भाई हमारे दिल्ली के स्कूल्स का सबसे बेहतरीन होता है 10th का रिकॉर्ड, 10th में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे पास आउट होते हैं, हमारे यहाँ 12th में सबसे ज़्यादा बच्चे पास आउट होते हैं। वो कैसे होते हैं, इसकी काला चिट्ठा अब कहीं ना कहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। 10th क्लास की बात करें तो 94.35% यानी कि 94.35% जो बच्चे हैं वो पास होते हैं 10वीं क्लास में दिल्ली सरकारी स्कूल से पढ़ के। 96.9% बच्चे 12वीं क्लास में पास होते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ के। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हमको नहीं बताई जाती, जो अब तक चीज़ें नहीं पहुंचने दी जाती हैं, वो ये कि 9वीं क्लास में इस बार दिल्ली में 17,000 से ज़्यादा बच्चे दूसरी बार फेल होकर के उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अब जिन बच्चों ने ड्रॉप आउट ले लिया, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, उनके बारे में ना जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी लेगी, उसके बारे में ना जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल लेंगे, ना उनकी सरकार लेगी। इसको लेकर एडवोकेट अशोक अग्रवाल कहते हैं कि ये सब चीज़ें नियम के विरुद्ध हो रही हैं। स्कूल से निकालना किसी भी बच्चे को, ये कहीं का नियम नहीं है, ये कहीं भी सही चीज़ नहीं है, ये चीज़ कहीं भी लिखी हुई नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। सेम इसी चीज़ को बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार मनमानी कर रही है, तो बच्चों के जीवन को ख़राब करने का काम कर रही है, इसको लेकर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है। आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव होना है दिल्ली में, ऐसे में ये सब चीज़ें आम आदमी पार्टी के लिए और खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सौदा हो सकती है। वैसे क्या लगता है आपको, ये जो कदम है आम आदमी पार्टी का और दिल्ली सरकार का 9th क्लास के बच्चों को दूसरी बार फेल होने के बाद स्कूल से बाहर निकाल देने का, ये सही लगता है या गलत, कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मिलते हैं अगली खबर के साथ।